हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खोपरे वाली कच्चे खोपरे वाली चटनी को। इसके लिए हमने एक भट्टी खोपरे को लिया है, इस तरह से कट करके मिक्सी जार में ऐड कर दिया है। ऑयल में रोस्ट किया हुआ ग्रीन चिल्ली 5 से 6 को ऐड किया है। इतने से छिले हुए लहसुन को ऐड कर रहे हैं मिक्सी जार में। ऑयल में रोस्ट किया हुआ एक टमाटो को इस तरह से हम ऐड कर रहे हैं। रात में भिगोया हुआ सेंगा और फुटाने को इस तरह से हम मिक्सी जार में पानी निकाल के ऐड कर रहे हैं। अब हम 1 स्पून सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं। स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। इतना सा हरा धनिया को लिया है हमने, धो के मिक्सी में जार में ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है। फिर से एक बार अच्छे से ग्राइंड कीजिए। अब हमारी चटनी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है इस तरह से। चलिए अब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। हम ऐड कर रहे हैं 2 स्पून ऑयल को, आपको जितना चाहेगा उतना ऐड कर सकते हो। अब हम ऐड कर रहे हैं थोड़े से जीरा राई को, यानी कि 1 स्पून है। थोड़ी सी उड़द दाल को ऐड कर रहे हैं, ये भी 1 स्पून है। अच्छे से फ्राई होने दीजिए। कड़ी पत्ता को ऐड कर लिया है हमने, तड़के के लिए कड़ी पत्ता जरूरी है। तड़का अच्छे से रेडी हो चुका है। हम ऐड कर रहे हैं हमारी ग्राइंड की हुई चटनी को। आप भी इस तरह से अपने घर पे सिंपल सी रेसिपी है बना सकते हो। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट भी जरूर कीजिए। इस तरह की हमारी चटपटी सी चटनी रेडी हो चुकी है। इडली के साथ आप भी इस तरह से बना के खा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।